नमस्कार मुख्यमंत्री साहब। नमस्कार नमस्कार सोनू जी, अंबाला में। सर बहुत खुशी हुई कि आज मेरी सिलेक्शन हो गया है फायर एंड सेफ्टी में सर, ड्राइवर के पद पे, और मेरा सेंटर में सीएसए में भी हो गया है सर। सर ये बीजेपी है तो संभव है, वरना तो सर मैं तो 2015 से सर तैयारी में लगा हुआ हूँ। उससे पहले भी हर बार मेरिट में रह गए, कभी किसी चीज में रह गए सर, हर बार निराशा ही आत लगती थी। आज बड़ी खुशी है कि मुझे बीजेपी सरकार में मुझे जॉब मिली है, और मैं अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ इसको पूरा करूंगा सर, अपनी ड्यूटी करूंगा बस बस यही चाहिए, वही चाहिए कि जिस सुशासन की हमने नींव रखी है उस सुशासन को आप लोगों ने, इस रेखा को लंबा करना है। कभी भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ किसी के जीवन में ना आए, और लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं इसका जरूर ध्यान रखना। बहुत बढ़िया सोनू जी। जी सर। सर जी आपने बोला है कि बिना कर्ची और बिना पर्ची के सर, वो बिल्कुल ही धरातल पे उतरा है सर। बिल्कुल मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी सरकार है तो सब कुछ संभव है सर। चलिए, कौन सा गांव है आपका? सर मेरा गांव खानपुर है, अम्बाला में सर। खानपुर। नमस्कार मुख्यमंत्री साहब। हाँ नमस्कार अजय जी, भिवानी में कहाँ रहते हैं? सर मेरा गांव से है, खुशी हो रही है कि एग्जाम देने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ है जूनियर कोचिंग पर। अच्छा है, तो आपके पिताजी क्या करते हैं अजय जी? फार्मर है सर, फार्मर अच्छा फार्मर है, है। खेती बाड़ी करते हैं। तो आपको किसी ने कोई परेशानी तो नहीं की ना, किसी ने कोई ऑफर तो नहीं नहीं किया आपको कुछ? कोई परेशानी नहीं हुई सर, एग्जाम हुआ था अच्छे तरीके से, हर एग्जाम के थ्रू ही मतलब अच्छा हाँ, गया। नहीं ऐसा अगर मानो कुछ हुआ भी हो तो किसी भी तरीके से हमारे पास खबर भेज देना, मैं सीधा कर दूंगा। नहीं सर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ सर, सब कुछ सुनाई चलिए, आपकी बहुत सरकार में। बहुत अच्छा, बहुत जय अच्छा। हाँ श्री राम सर, जय श्री राम दीक्षित जी, वाह, राम जी का रंग चढ़ गया आपको तो। आपकी सरकार में इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? सर आपकी वजह से मेरे सर फायर ऑपरेटर में हुआ सर मेरा। अच्छा, गांव कौन सा? सर वैसे तो जो बर्थ थी सर वो मदीना गांव में, लेकिन अभी रेजिडेंस सर सुचकवास कर रखा जर्जर जिले में। सर आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है सर, आगे भी मैं करना बहुत है? खुश हूँ सर, पूरा प्रदेश खुश है सर। नहीं, सुनो, आगे भी करना है, करेंगे सर। हाँ आगे करने दोगे ना? सर, कितने साल करने दोगे? जब तक जिएंगे तब तक सर अपने बच्चों को भी बोलेंगे ऐसी सरकार दोबारा नहीं मिलनी। हेलो, चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद नवजीत। हाँ नवजीत जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कहाँ से? गुड़गांव। कहाँ से आप? गुड़गांव से सर, सेक्टर 14 में, सेक्टर 14। किस चीज़ में लगी आपकी सर्विस? हरियाणा पुलिस की अभी जो लिस्ट आई है ना सर, हाँ जो वेटिंग वाली थी उसमें लगा। मतलब पहले सुनता था कि भ्रष्टाचार का गाल मनोहर लाल, मैं सत्ता भी नहीं था ऐसी बात में देते, लेकिन आपने करके दिखाया सर ये, मैं अच्छा। उसके लिए मतलब बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपसे। आपको ऐसा क्या अनुभव आया कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, आपको अनुभव क्या आया? ये अनुभव यह है सर, क्योंकि पिछली सरकारों में मेरे पिताजी थे इसी मतलब भ्रष्टाचार के कारण रहे थे, और मेरे पिताजी खुद कहते थे कि ये सरकार है नौकरी लगने के लिए, मतलब इस सरकार में लग जाओगे तो लग जाओगे, बाकी मतलब भूल जाना चाहिए, यदि मतलब ये सरकार चली गई तो मतलब ये मोटिवेशन आया। अब की बार आएंगे सर 75 बार आपका 75 पार, आप जोर लगा दोगे पूरा? बिल्कुल सर।